नीट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई नीट मामले को लेकर और आज सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को एक नोटिस जारी किया है। देखिए, कथित पेपर लीक पर नोटिस जारी किया है और 0.001% लापरवाही पर भी सख्त कार्रवाई होगी, ये अदालत की तरफ से कहा गया है। केंद्र सरकार से भी इस मामले पर जवाब तलब किया गया है। 8 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी और जिम्मेदारों को, जो भी इस मामले में जिम्मेदार हैं, उन्हें 8 जुलाई तक जवाब देना होगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 में कथित पेपर लीक और लापरवाही से संबंधित याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज एनटीए को नोटिस जारी किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की, जिसमें कहा कि अगर 0.001% भी अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। देखिए, पूरे मामले को लेकर केंद्र से जवाब मांगा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आया है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की ओर से भी, देखिए, ये साफ कहा गया है कि 0.001% से आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कितना सख्त रहा होगा टिप्पणी करते हुए। तो बहरहाल ये कहा गया है कि 0.001% भी लापरवाही अगर है तो पूरी सख्ती के साथ इससे निपटा जाना चाहिए। एनटीए को बहुत फटकार पड़ी है। हालांकि ऑर्डर शीट पे नहीं ऑब्जर्व हुआ, लेकिन जजेस ने ये कहा कि यू आर प्लेइंग विद हेल्थ ऑफ द कंट्री। जो ये एग्ज़ाम कैसे कैसे तैयारी होते हैं, ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि उनको पता है कि कितनी मुश्किल से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं, और अगर इसमें आप एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स मत समझिए, ये आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिए कि अगर इसमें कुछ हो सकता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो आप कीजिए, आप प्रिपेयर आइए, आप ये मत सोचिए कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट्स आज उनको, एनटीए को काफ़ी फटकार लगाई है और फिर से जो मेन मैटर है जुलाई 8th के लिए लगा। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ गई है। भावना, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये साफ तौर पे दर्शा रहा है कि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कितना सख्त है। जी अभिषेक, जरूर देखा जाए तो 24 लाख बच्चों के भविष्य का बात है, और इस मामले को जब सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया तब से ही सुप्रीम कोर्ट जो है सख्त अपनाता हुआ दिख रहा है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को 8 जुलाई तक के लिए नोटिस जारी करा है और साफ तौर पे जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जो याचिका है उस पर जो है नोटिस जारी कर जो है केंद्र सरकार और एनटीए से जवाब मांगा है, और साफ तौर पे ये भी कहा है कि अगर किसी की 0.1% भी इन्वॉल्वमेंट इस मामले में दिखती है तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो नीट का एग्ज़ाम जो 24 लाख बच्चों ने दिया था उसमें जिस तरीके से धांधलेबाजी सामने आ रही है उसको लेकर जहाँ सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी लगातार चरमराती जा रही है। आम आदमी पार्टी भी अब केंद्र सरकार के ऊपर। भावना, आपसे विस्तार में जरा जानना चाहेंगे कि अदालत में आज क्या कुछ हुआ और क्या क्या दलीलें रखी गई। जी, मैं आपको बता दूं कि अदालत ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार और एनटीए को जो है नोटिस भेजा है और 2 हफ्ते के अंदर इस नोटिस का जवाब मांगा है। वहीं इस मामले की जो सुनवाई है वो 8 जुलाई को करने की बात कही है, और साथ ही साथ आज की याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर इसी तरीके से परीक्षा होगी तो बच्चे डॉक्टर कैसे बनेंगे। तो इस पे ऊपर एनटीए ने अपनी आपत्ति जताते हुए ये कहा कि हमें जवाब देने दीजिए। एक तरफ से एनटीए पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने जवाब रखने में, वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने ये भी कहा कि एनटीए अपनी गलती मान रहा है, जो ग्रेस मार्क दिए थे उसको लेकर जो है एनटीए कहीं ना कहीं अपनी गलती मान रहा है, तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि एनटीए की तो गलती है ही है। वहीं इस पूरे मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की बात कही कि अगर किसी की 0.1% भी लापरवाही मिलती है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इस तरीके की जो टिप्पणी है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट दूसरी तरफ ये भी कहता हुआ नज़र आया कि बच्चों की परीक्षा की तैयारियां
जो है उनकी मेहनत को सुप्रीम कोर्ट नहीं भूल सकता, तो इसलिए सख्त रुख जो है अब सुप्रीम कोर्ट अपनाता हुआ नजर आ रहा है और पूरे मामले की जांच में पूरे मामले की जांच तो हो ही रही है। वहीं बिल्कुल इसमें भावना एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि ठीक है एनटीए एक चीज तो स्वीकार कर रहा है कि ग्रेस नंबर्स दिए गए, लेकिन बात जो पेपर लीक की आ रही है, पेपर लीक को लेकर के तो साफ तौर पे एनटीए की तरफ से कहा जा रहा है या शिक्षा मंत्री की तरफ से भी कहा जा रहा है कि पेपर लीक को लेकर के फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। जी देखिए, अगर बात की जाए पेपर लीक को लेकर तो ऐसा नहीं है कि ये नीट की परीक्षा जो है ये पहला ऐसा मामला होगा कि जब कोई पेपर लीक किया बात सामने आई है। इससे पहले भी कई ऐसे परीक्षा रह चुकी है, जैसे कि यूपी में देखा गया है तमाम कई बार की जब पेपर लीक की बात जो है वो सामने आई है। वहीं अगर पटना की बात की जाए तो पटना से भी बच्चों ने ये बात ज़रूर कबूली है कि जो पेपर है वो उनको पहले मिल गया था। वहीं वहाँ पर एक सेफ जोन में देखा तो ब्लैंक से बात से नकारना ये कह सकते हैं कि गलत होगा, क्योंकि अब कहीं ये कह सकते हैं कि गलत होगा क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो नीट के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि वक्त से पहले उनके पास पेपर आ चुका था और उन्होंने परीक्षा दी है। क्योंकि आज तक देखा जाए नीट के एग्जाम में एक साथ 66 बच्चों की 720 रैंक आना ये एक बड़ी बात है। वहीं हरियाणा के सेंटर में जिस तरीके से 6 बच्चों ने क्वालिफाइड करा एक साथ अच्छी रैंक में, वो भी एक बड़ी बात है क्योंकि एक कंपटीशन एग्जाम में पूरे मार्क्स आना ये एक बहुत बड़ी चैलेंज की बात होती है। तो इस बात को तो कहना बेहद ही गलत होगा कि पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि पटना में कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब बच्चे ये बात स्वीकारते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको वक्त से पहले पेपर मिल गया। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि केंद्र शिक्षा मंत्री जो है अब इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी करी है कि पेपर लीक की बात अब तक सामने नहीं आई, क्योंकि अब बच्चे इस मामले को खुद कबूलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भावना ठीक है तो, लेकिन सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में है, बच्चे अगर कबूल कर रहे हैं तो क्या वो अदालत के सामने पार्टी उन्हें प्रेजेंट करने की सोच रही है? क्योंकि जो जो भी पक्ष हैं इसमें, चाहे वो एनटीए हो, चाहे याचिकाकर्ता हो, चाहे सरकार हो, तो क्या याचिकाकर्ता उन स्टूडेंट्स को कोर्ट में हाजिर करने के बारे में भी विचार कर रहे हैं? क्योंकि जब तक कोर्ट में ये बातें नहीं आएंगी, बाहर कुछ भी चलता रहे, कोर्ट में जब तक ये बातें नहीं आएंगी तब तक कोई मैटर ही नहीं करता है। जी अभिषेक, देखिए अभी इस बात को तो कहना मुश्किल है कि क्या बच्चे कोर्ट में जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन याचिकाकर्ता जरूर अपनी तरफ से इस बात को रखेंगे। फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 8 जुलाई तक का समय दिया है और 8 जुलाई को दो हफ्ते का समय दिया और 8 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट क्या सख्त रुख अपनाता है, एनटीए और केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब दाखिल किए जाते हैं नोटिस पे और बच्चे क्या इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट के समक्ष आते हैं। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब सभी ढूंढ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहा हूं, भावना आप हमारे साथ बने रहिए।